ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी को छोड़कर जंगल में रहने के लिए चला जाता है। मूवी का नाम है इनटू द वाइल्ड। ये मूवी रिलीज हुई थी सन 2007 में। मूवी शुरू होती है मई 1990 में। क्रिस ए प्लस ग्रेड के साथ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। क्रिस के ग्रेजुएट होने की खुशी में क्रिस और उसकी फैमिली एक रेस्टोरेंट में लंच कर रही होती है। लंच के दौरान क्रिस के पेरेंट्स उसके फ्यूचर के प्लान के बारे में पूछते हैं। क्रिस बताता है कि उसके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं और वो हार्वर्ड में लॉ की पढ़ाई करना चाहता है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स काफ़ी खुश होते हैं। क्रिस के पास एक पुरानी कार होती है। उसके पेरेंट्स उसे एक न्यू कार गिफ्ट करना चाहते थे, लेकिन क्रिस गुस्सा हो जाता है। क्रिस और उसके पेरेंट्स की आपस में कुछ खास बनती नहीं थी। क्रिस ने अपने बचपन से ही अपने पेरेंट्स को हमेशा से ही आपस में लड़ते झगड़ते देखा था। कुछ दिनों बाद क्रिस अपने कॉलेज फंड के $24,000 डोनेट कर देता है। क्रिस अपनी आईडी कार्ड्स और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी जला देता है और अपने रूम को छोड़कर अपनी कार में अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। क्रिस इस मॉडर्न लाइफस्टाइल से परेशान था और वो इन सब से दूर एक एडवेंचरस लाइफ जीना चाहता था। क्रिस अपनी कार से एरिजोना पहुंचता है और गाड़ी में ही सो जाता है। उसने गलती से गाड़ी फ्लड प्रोन एरिया में लगा दी थी। रात को बाढ़ आती है। क्रिस को तो कुछ नहीं होता, पर उसकी कार कीचड़ में फंस जाती है। क्रिस अब बिना गाड़ी के आगे बढ़ने का फैसला करता है। आगे जाने से पहले क्रिस अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट निकाल देता है और अपने पास पड़े पैसों को भी जला देता है। क्रिस फैसला करता है कि वो आगे की यात्रा अब लिफ्ट लेकर पूरी करेगा। क्रिस खुद को एक नया नाम देता है, जो होता है अलेक्जेंडर सुपरट्रैम्प। क्रिस अपनी फैमिली को लेटर्स भेजता रहता था, लेकिन काफ़ी महीनों से अब उसका कोई लेटर उसके पेरेंट्स को नहीं मिला था, जिससे वो काफ़ी परेशान होने लगे थे। क्रिस को हिचहाइक करते हुए कैलिफोर्निया में एक कपल मिलता है। क्रिस को वो अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। क्रिस इस कपल के साथ काफ़ी दिनों तक एंजॉय करता है। ये कपल भी क्रिस का साथ पाकर काफ़ी खुश थे। जैन का एक बेटा होता है जो क्रिस की ही उम्र का था, और वो जैन से अब बात नहीं करता था। क्रिस जैन को उसके बेटे की याद दिलाता था। क्रिस का प्लान अलास्का जाने का होता है। एक दिन क्रिस बिना इन्हें कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। क्रिस अब ईस्टर्न साउथ डकोटा पहुँचता है। वहाँ पर उसे वाइन नाम का एक शख्स मिलता है। वाइन क्रिस को अपने खेतों में काम दिलाता है। क्रिस वाइन को अपने अलास्का जाने के प्लान के बारे में बताता है। क्रिस वाइन से अलास्का में सर्वाइव करने के लिए टिप्स मांगता है। वाइन का दोस्त होता है केविन, जो उसे हंटिंग, कुकिंग और अलास्का में सर्वाइव करने की टिप्स देता है। कुछ दिनों बाद FBI वाइन को अरेस्ट कर लेती है कुछ इलीगल ब्लैक बॉक्स बेचने के केस में, और क्रिस अब दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। कुछ दिन हिचाइक करने के बाद क्रिस कोलोराडो रिवर के पास आता है और वो रिवर में राफ्टिंग का प्लान करता है। राफ्टिंग करने के लिए वो परमिशन लेने जाता है। क्रिस को परमिशन तो मिलती है, लेकिन 12 साल की वेटिंग पीरियड के बाद क्रिस एक पुरानी बोट खरीदता है और उस नदी को पार करने का फैसला करता है इलीगल तरीके से। क्रिस को नदी पार करते वक्त एक हिप्पी कपल मिलता है। वो कपल क्रिस को हॉट डॉग ऑफर करते हैं और क्रिस को मैक्सिको जाने का आइडिया देते हैं। क्रिस को मैक्सिको जाने का प्लान काफ़ी अच्छा लगता है और वो मैक्सिको जाने का प्लान करता है। ये हिप्पी कपल उसे बताता है कि यही रिवर आगे मैक्सिको जाएगी। क्रिस मैक्सिको जाते वक्त रास्ते में काफ़ी एंजॉय करता है। क्रिस एक केव में पूरे एक महीने बिताता है। क्रिस अपनी बोट को छुपा देता है और मैक्सिको में लोगों से लिफ्ट मांग कर ट्रैवल करता है। मैक्सिको में घूमने के बाद क्रिस USA वापस आता है, लेकिन बॉर्डर पर उसे पकड़ लिया जाता है क्योंकि क्रिस के पास कोई ID नहीं था। पुलिस उसे कुछ दिन जेल में रखती है और बाद में उसे वार्निंग देकर छोड़ देती है। क्रिस अब लास वेगास जाता है और वहाँ पर लोगों की लाइफ देखकर काफ़ी परेशान होता है। ये वही लाइफ थी जिससे क्रिस दूर भाग रहा था। क्रिस अब घूम फिर कर एरिजोना आता है। वहाँ पर मैकडोनल्ड में एक जॉब लेता है ताकि उसके पास अलास्का जाने लायक पैसे हो सके। अब कुछ टाइम बाद मैकडोनल्ड की जॉब छोड़कर क्रिस कैलिफोर्निया चला जाता है। वहाँ पर उसे रानी और जैन दोबारा मिलते हैं। ये वही कपल था जिसके साथ क्रिस ने गाड़ी में ट्रैवल किया था। क्रिस रॉनी के साथ उसकी बुक्स की दुकान पर हाथ बटाता है और रॉनी को अपने अलास्का जाने के प्लान के बारे में बताता है। रॉनी उसे कैलिस्थेनिक करने की सलाह देता है, जो एक तरह की एक्सरसाइज थी। क्रिस को वहाँ पर ट्रेसी नाम की लड़की भी मिलती है। ट्रेसी क्रिस से काफ़ी अट्रैक्टेड थी। एक बार ट्रेसी क्रिस को इंटीमेट होने का ऑफर देती है, लेकिन क्रिस उसे मना कर देता है क्योंकि ट्रेसी सिर्फ 16 साल की थी। क्रिस दोबारा जेन और रॉनी को छोड़कर चला जाता है। अलास्का जाने से पहले वो कैलिफोर्निया पहुँचता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक 80 साल के बूढ़े आदमी से होती है, जिसका नाम रॉन होता है। रॉन को क्रिस की ट्रैवलिंग स्टोरीज काफ़ी पसंद आती है। क्रिस अब रॉन के साथ उसी के घर में रहने लगा था। रॉन की एक लेदर की शॉप थी। क्रिस रॉन के साथ लेदर का काम सीखता था। रॉन दरअसल अकेला रहता था।
रॉन एक रिटायर्ड आर्मी मैन होता है और उसकी वाइफ और बेटी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। पूरे 2 महीने रॉन के साथ रहने के बाद अब क्रिस अलास्का जाने की तैयारी शुरू करता है। रॉन क्रिस से पूछता है उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या वो क्रिस को अडॉप्ट कर सकता है। क्रिस रॉन से कहता है कि जब वो अलास्का से वापस आ जाएगा तो हम इस बारे में बात करेंगे। क्रिस अब एक आदमी से लिफ्ट लेकर अलास्का पहुंचता है, जहां पर वो हमेशा से जाना चाहता था। ड्राइवर क्रिस को बूट्स देता है और कहता है कि इन जूतों में मेरा नंबर है, अगर तुम जिंदा वापस आ सके तो तुम मुझे बता सकते हो। क्रिस के पास खाने पीने का थोड़ा ही राशन होता है। क्रिस अपनी हाइकिंग शुरू करता है और अपनी टोपी एक पेड़ पर लटका देता है ताकि वापस आते समय उसे रास्ते की पहचान हो सके। क्रिस अलास्का में अपनी हाइकिंग चालू रखता है। वो रास्ते में शिकार करता, डायरी लिखता और एडवेंचर के पूरे मजे करता। उस दिन चलने के बाद उसे एक मिनी बस दिखाई देती है। क्रिस इस बस के अंदर जाता है और इसे रिनोवेट करता है और इसे रहने लायक बनाता है। क्रिस इस बस को मैजिक बस का नाम देता है। क्रिस अलास्का में वो लाइफ जी रहा था जो वो हमेशा से जीना चाहता था। धीरे धीरे क्रिस का राशन खत्म हो जाता है और वो जानवरों का शिकार करना शुरू कर देता है। दिन प्रतिदिन क्रिस काफ़ी पतला हो जा रहा था। एक दिन क्रिस को एक मूस दिखाई देता है। क्रिस उसे मारता है और उसका मीट स्टोर करने की कोशिश करता है, लेकिन मूस के मीट पर कीड़े पड़ जाते हैं जिससे क्रिस काफ़ी परेशान हो जाता है और वो यहाँ से जाने का फैसला करता है। क्रिस अपना सामान बांध कर वापस जा रहा था। रास्ते में वो देखता है कि जिस नदी को पार करके वो आया था अब वो अपने पूरे उफान पर थी। उसे पार करना उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए वो वापस जाने का फैसला करता है। बारिश में भीगता हुआ क्रिस अपनी मैजिक बस में दोबारा वापस आता है। क्रिस के पास राशन तो पहले ही ख़त्म हो चुका था, लेकिन अब मौसम बदलने के कारण वहाँ कोई जानवर भी नहीं था जिसका शिकार वो कर सके। मजबूरी में क्रिस को अब जंगली पेड़ पौधों को खाना पड़ता है। जंगल में काफ़ी पेड़ पौधे जहरीले भी थे। उनमें से एक जहरीला पौधा क्रिस गलती से खा लेता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। क्रिस के पास एक बुक भी थी जिसमें प्लांट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। क्रिस देखता है कि जिस प्लांट को उसने खाया था वो जहरीला था। क्रिस की हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद क्रिस की मौत हो जाती है। क्रिस अपने फाइनल मोमेंट्स में भी अपनी डायरी लिखता है। क्रिस अपनी फैमिली के नाम भी एक संदेश लिखता है। क्रिस के मरने के 2 हफ्ते बाद कुछ लोगों को क्रिस की बॉडी मिलती है और क्रिस के सामान में ये फोटो भी मिलती है। क्रिस के पोस्टमार्टम में उसकी मौत की वजह स्टारवेशन बताई जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन इनटू द वाइल्ड की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।